हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखेंगे दो टाइप के सॉल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा टाइप होगा जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। आप लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है पहले से। इक्वेशंस में जो वेरिएबल होते हैं, अगर उन वेरिएबल्स को हम उन वेरिएबल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करा देंगे तो वो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है 2x² + x - 1 = 0। ये यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल एक्स है। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह पे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर लेंगे तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे 2x जगह हम साइन एक्स पुट कर दे रहे हैं तो 2 sin² x + sin x - 1 = 0। तो ये इक्वेशंस बोली जाएगी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशंस दैट इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द वेरिएबल्स, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। T इक्वेशन का मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप दो टाइप के पढ़ेंगे, पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो आइए आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन इन विच द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2π बट ग्रेटर और इक्वल टू 0, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 2π से कम है लेकिन 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल जो 0 और 2π के बीच में लाई कर रहा हो और जिसपे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए साइन एक्स इक्वल टू गिवन है √3/2। इसके लिए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि यहां पे हम एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल लेकिन 2π से लेस है, वो जितनी वैल्यू होंगी वो वैल्यूज क्या बोली जाएगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन, यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन फंक्शन है, तो यहाँ पे साइन हम देखेंगे किस एंगल का वैल्यू √3/2 होता है। आप लोग जानते हैं 60° का वैल्यू √3/2 होता है साइन में, तो साइन 60° को हम रेडियन में अगर लिखना चाहें तो π/3 लिख सकते हैं, साइन π/3। अब आप लोग जानते हैं साइन फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो इसमें और पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू है तो हम देखेंगे एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा और एक एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल π/3 हो गया 60°, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल 90° से ग्रेटर होगा, π/2 से ग्रेटर होगा लेकिन π से लेस होगा। तो इसको हम
ये भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री होता है, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई थ्री है तो पाई से लेस वैल्यू होगी, पाई से लेस वैल्यू होने पे साइन एंगल किसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई थ्री एंड साइन थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री। तो इससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंपेयर करके निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, एक पाई बाई थ्री होगी और एक टू पाई बाई थ्री। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड टू पाई बाई थ्री, ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। एक क्वेश्चन और कंसीडर कर रहे, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चेंज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन टू सपोज दैट टेन एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री या फिर माइनस वन बाई अंडर रूट थ्री कंसीडर कर दे रहा हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं टेन फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन है, तो इस वैल्यू को हम देखेंगे टेंजेंट में किस एंगल का वैल्यू वन बाई अंडर रूट थ्री होता है। आप लोग जानते हैं ये टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है, थर्टी डिग्री माना पाई बाई सिक्स, इसको हम माइनस टेन पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये निगेटिव साइन यहाँ से हटाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे टेन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो टू पाई से लेस होगा, टू पाई से लेस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई से लेस होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स करने पे ये क्या हो रहा है पाई से लेस वैल्यू होगी ना, पाई से लेस वैल्यू किसमें आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और टेन यहाँ पे निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये वैल्यू टू पाई से लेस होती है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं टेन टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं सिक्स पाई माइनस पाई फाइव पाई बाई सिक्स। तो एक्स की वैल्यू यहां से हमें मिलता है टेन फाइव पाई बाई सिक्स एंड और यहां से क्या वैल्यू मिलेगी सिक्स टू ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पाई बाई सिक्स। तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक होगा फाइव पाई बाई सिक्स और दूसरा होगा इलेवन पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स एंड नेक्स्ट वन इज 11 पाई बाई सिक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होंगे उसकी हमेशा दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला जाए हमेशा उसकी दो वैल्यू ही एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, और आप लोगों को मैंने बताया कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका साइन एग्जैक्टली टू क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है और टू क्वाड्रेंट्स में निगेटिव होता है। जैसे साइन फंक्शन का साइन फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में निगेटिव होता है, टेंजेंट फंक्शन सेकंड में और फोर्थ में निगेटिव होता है एंड फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो एग्जैक्टली टू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड एग्जैक्टली टू क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसका मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पे दो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।